अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबका? आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक। तो जनाब, सोचा बहुत बनानी मैंने जो है ना बिरयानियाँ, तो आज बनाते हैं चिकन पुलाव। जल्दी से बहन के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। 1 kg लेना आपने चिकन, 1 tablespoon आपने साबुत धनिया, 1 tablespoon सौंफ, 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ, दालचीनी की स्टिक, यहाँ पर जो है ना बड़ी इलायचियाँ ली हैं, और साथ में जायफल का एक टुकड़ा लिया, और उसके साथ मैंने डाला नमक, 1 medium size की प्याज, अदरक और लहसुन के 4 से 5 जवे। अब जनाब इसके अंदर डालेंगे पानी, ठीक है, 3 cup हम पानी डालेंगे इसके अंदर। अब इसका चूल्हा ऑन करेंगे और इसे जो है ना रख देंगे चूल्हे पे बॉयल होने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे और हमारी जो है ना बेहतरीन सी चिकन की यखनी तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए 20 मिनट के बाद यखनी जो है ना हमारी तैयार होगी, तो आप इसके अंदर से चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे। चिकन को निकाल लिए और यहाँ छनी लिए बॉल के ऊपर, और इसमें जनाब अपनी यखनी को छान लेना है। ये 2.5 cup हमारी यखनी तैयार हो गई है, ठीक है। और अब इसके बाद जो है ना हम बाकी का अपना काम करेंगे। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम ये चावल लिए, बासमती है, सॉरी सैला चावल हैं। और उसके बाद जनाब इसके कढ़ाई के अंदर हमने 3-4 cup ऑयल लिया है, और 1 medium size की प्याज ली है जिसे हम हल्का सा सौते करेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, और इसके साथ डालेंगे 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 4 लौंग, 1 teaspoon साबुत काली मिर्चें, 1 teaspoon इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये जो है ना ज़ीरा, ये आप उसमें भी डाल सकते हैं यखनी के अंदर, ठीक है। 1 tablespoon इसमें मैंने डाला है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी हम इसके साथ फ्राई करेंगे। अब जनाब इसमें डालेंगे अपनी ये बॉयल चिकन। चिकन जितनी बनाई करेंगे ना 2 से 3 मिनट के चिकन के ऊपर देखें हल्का हल्का सा कलर आ गया। 1 cup मैंने दही लिया है, और उसके बाद इसको जो है ना हमने अच्छे से फेंट के इसके अंदर डाल लेना है, और दही के साथ भी हम चिकन को पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 1/2 teaspoon काली मिर्च, 1 teaspoon जो है देखिए लाल मिर्च पाउडर है, और अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। इतना मज़े का आपका ये चिकन पुलाव बनेगा कि यकीन जाने बिरयानी को पीछे छोड़ देगा। 3 से 4 मिनट के लिए कवर किया, और 4 से 5 चीरा लगा के डाली हमने सब्ज़ मिर्चें, और साथ ही सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऐड कर लिया खुशबू के लिए। देखिए मसाले को अच्छा सा भून लेंगे, ऑयल सेपरेट हो गया। तो 2.5 cup हमारी यखनी थी, और बाकी इसमें पानी डाल के तो टोटल ही हमारे 6 cup पानी है, ठीक है। और चावल के हिसाब से अपना नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे, और ये देखिए हमारी ये भीगे हुए चावल अच्छे से सोख हो गए, यखनी में भी बॉयल आ गया। चावल का फुली आपने जो है ना पानी निकाल लेना है, और चावल को डालेंगे यखनी के अंदर, और बस इसको मिक्स करेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे जनाब इसको कवर किए बगैर आपने पकाना है इतना कि बस ये देखें इतना इतना सा पानी रह जाए। तो फिर इसको आपने इस तरह से हल्के आंच से मिक्स करना है, और फिर कवर करके बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे 20 मिनट के लिए रख देना है। तो यहाँ पर बनेगा रायता, और उसके लिए मैंने लिया दही, उसमें डालेंगे ये चॉप अनियन, चॉप टमाटर्स, चॉप इसके अंदर जाएगा क्यूकम्बर, और साथ में जनाब इसमें डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। और इसको हरा जो है ना रायता इसलिए बनाएंगे, तो हमारे पास मिंट लीफ की थोड़ी सी चटनी पड़ी हुई थी, ये डाल के मिक्स करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमारा हरा वाला रायता तैयार हो गया। तो रायते को जनाब डालेंगे बॉल के अंदर, बड़ा मज़े का ये रायता बनता है। और देखें पुलाव भी हमारा साथ तैयार है, तो बस पुलाव को भी मिक्स करेंगे हल्के आँच से, हमेशा चावल को मिक्स किया करें साइड से चम्मच डाल के, तो इस तरह से। तो बस इसको भी डिश आउट करेंगे, सिंपल है लेकिन बड़ा मज़े का है, और रायते के साथ तो इसको जनाब 4 चांद लग जाएंगे। ये देखें दोनों चीज़ें हमारी तैयार हैं, तो जल्दी से आप भी जाएं और पुलाव बना लें, और साथ में हरा रायता ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मेरी रील को, सॉरी मेरी वीडियो को जो है ना लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।